अतीक और उसके भाई अशरफ की सरेआम हत्या पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कानून व्यवस्था पर तीखे सवाल उठाए थे। अखिलेश ने कहा था कि यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अतीक अहमद का समाजवादी पार्टी के साथ बड़ा पुराना नाता था। अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक भी बना और पहली बार सांसद भी। 2004 के लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से पहली बार सांसद चुना गया था। अखिलेश यादव अतीक के साथ राजनीतिक मंच शेयर किया करते थे। हालांकि बाद में अखिलेश यादव को अतीक इतना नागवार गुजरने लगा कि वो अतीक के खिलाफ अपने चाचा शिवपाल यादव से भिड़ गए थे। ये बात 2017 के यूपी चुनाव से पहले की है। उस वक्त शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष थे और अखिलेश यादव सूबे के सीएम। दिसंबर 2016 में शिवपाल यादव ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते आने वाले 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए 325 उम्मीदवारों की लिस्ट मुलायम सिंह यादव को सौंपी। इस लिस्ट में कई विवादित चेहरों के नाम शामिल थे। अखिलेश यादव उस वक्त साफ सुथरी छवि के साथ यूपी की सत्ता संभाल रहे थे। उन्होंने भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। प्रगतिशील विचारधारा के साथ वो समाजवादी पार्टी को विवादों से दूर रखना चाहते थे। लेकिन शिवपाल यादव ने 2017 के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो लिस्ट सौंपी थी उसमें अतीक अहमद जैसे बाहुबली और माफिया डॉन का नाम भी शामिल था। अतीक अहमद को कानपुर कैंट से उम्मीदवार बनाया गया था। अखिलेश यादव अतीक अहमद को टिकट दिए जाने के खिलाफ थे। वो समाजवादी पार्टी से विवादित चेहरों का सफाया चाहते थे। अतीक के मुद्दे पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच जोरदार ठन गई। अखिलेश के खिलाफ जाकर मुलायम सिंह यादव ने भी शिवपाल की लिस्ट पर मुहर लगा दी। इसके बाद चाचा भतीजे की लड़ाई और खुलकर सामने आ गई। उधर कानपुर कैंट से टिकट मिलने के बाद अतीक अहमद अपने चुनाव प्रचार में भी उतर गया। कानपुर कैंट सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन 1991 से लगातार वहां बीजेपी जीतती आ रही थी। अतीक ने 2 महीने के धुआंधार प्रचार में ही पूरी तरह से बाजी पलट दी। कानपुर कैंट सीट पर अतीक का डंका बजने लगा। इधर शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच समाजवादी पार्टी पर कब्जे की जंग शुरू हो गई थी। अखिलेश ने अपने दूसरे चाचा राम गोपाल यादव की मदद ली। इसके बाद अखिलेश ने शिवपाल यादव को पार्टी के सभी पदों से बर्खास्त कर दिया। समाजवादी पार्टी को अपने कब्जे में लिया और मुलायम सिंह यादव को पार्टी का संरक्षक बनाकर किनारे लगा दिया। इसके बाद सारे फैसले अखिलेश यादव खुद लेने लगे। सबसे पहले गाज अतीक अहमद पर ही गिरी। अखिलेश ने कानपुर कैंट से उनका पत्ता साफ कर दिया। अखिलेश ने कानपुर कैंट सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी। अतीक ने सीट पर अपना माहौल बना रखा था, लेकिन टिकट कटने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाया। अतीक की बनाई जमीन का फायदा कांग्रेस ने उठाया और कांग्रेस के सोहेल अंसारी ने यहां बीजेपी को शिकस्त देकर जीत हासिल की। इसके बाद अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए। 2018 में उसने फूलपुर उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फिर किस्मत आजमाई, लेकिन उसे बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। अतीक के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। इसके बाद वो राजनीति में कभी उभर नहीं पाया। फिलहाल दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल TV9 Digital।